चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज तीसरा दिन है। भारतीय खिलाड़ी टेनिस, बॉक्सिंग, तैराकी, शूटिंग जैसे कई खेलों में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत ने दूसरे दिन तक कुल 6 मेडल जीत लिए थे। इसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। तीसरे दिन भी भारत के पुरुष हॉकी टीम ने इस जलवे को बरकरार रखते हुए ग्रुप स्टेज के दूसरे मैच में 16-1 से सिंगापुर को रौंदकर प्रचंड जीत हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्दिका मनोहर सोनी आपके साथ। भारत ने शुरुआत से ही मैच में बढ़त बनाकर रखी। भारत ने पहले क्वार्टर में 1 गोल के साथ शुरुआत कर दी थी। इसके बाद टीम का गोल करने का सिलसिला रुका ही नहीं और भारत ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए और शानदार जीत अपने नाम कर ली। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल किए तो वही मनदीप सिंह ने गोल की हैट्रिक लगा दी। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 16-0 से करारी शिकस्त दी थी। आज हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सिंगापुर को 16-1 से रौंद दिया। मैच में भारत के लिए पहला गोल मनदीप सिंह ने 13वें मिनट पर किया। पहला क्वार्टर खत्म होने तक भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। फिर दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ललित कुमार ने भारत के लिए 16वें मिनट पर दूसरा गोल दाग दिया। वही दूसरा हाफ शुरू होने के कुछ देर बाद ही आखिर में मनदीप सिंह और अभिषेक ने 51वें मिनट और 52वें मिनट पर 2 गोल किए। इसके 2 मिनट बाद ही भारत के वरुण कुमार ने 55वें मिनट पर लगातार 2 गोल स्कोर करते हुए भारत को 16-1 स्कोर पर पहुंचा दिया। इस तरह भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपना तीसरा मुकाबला गुरुवार 28 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:15 बजे जापान के खिलाफ खेलेगी और इसके बाद शनिवार 30 सितंबर को भारतीय टीम अपना अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।